दोस्तों होता क्या है, कई लोग पेटीएम यूज तो करते हैं पर उनको पेटीएम से पैसा कमाना नहीं आता। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मोबाइल रिचार्ज से लेके पैसे ट्रांसफर करने तक यहाँ पे आप पैसे कमा सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मेरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसे आप पेटीएम ओपन करते हैं आपको इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कई सारे ऑफर शो कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला जो ऑफर दे रखा है वो है 100 रुपीज़ का कैशबैक फर्स्ट 3 मोबाइल रिचार्ज पे और बिल पेमेंट पे। जैसे मान लीजिए आप पहला मोबाइल रिचार्ज या बिल पेमेंट करते हैं तो आपको वहाँ पे 100 रुपये तक का कैशबैक पहले रिचार्ज में मिलेगा, 100 रुपये का ही कैशबैक दूसरे रिचार्ज में मिलेगा और 100 रुपये का ही कैशबैक तीसरे रिचार्ज में मिलेगा। यार ये तो गजब बात है। इसके लिए करना क्या होगा, बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़ प्रोमो कोड लिख दिए रखे हैं, 3 प्रोमो कोड है, आप सिंपली उन प्रोमो कोड का यूज़ कर सकते हैं मोबाइल रिचार्ज में। दूसरा जो है यार ये बहुत ही खास ऑफर है। अब यार ये खास ऑफर क्यों है, अगर आप मान लीजिए लैपटॉप खरीदने वाले हैं तो आप पेटीएम से खरीद लो भाई मेरे, क्योंकि उससे होगा क्या, अगर आप पेटीएम से लैपटॉप खरीदते हैं तो आपको 20,000 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा एप्पल, लिनोवो और एसर के लैपटॉप पे। और तीसरा जो है वो है अगर आप रेलवे टिकट बुक करते हैं तो आपको 50 रुपये तक का कैशबैक आपको मिल जाएगा। इसके लिए करना क्या होगा, आपको नीचे दिया हुआ जो प्रोमो कोड है वो यूज़ करना होगा, ट्रेन न्यू के नाम से प्रोमो कोड है। दोस्तों इस तरीके के यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑफर और दे रखे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ जो ये KYC वाला ऑफर दे रखा है, अगर आपके मोबाइल की KYC नहीं हो रखी है तो उसे जल्द से जल्द KYC करवा लीजिए, जिससे क्या होगा आपको 200 रुपये का कैशबैक हैंड टू हैंड अपने पेटीएम अकाउंट पे मिल जाएगा। और इसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों KYC का, मान लीजिए आपने KYC करवा ली तो आपकी जो ट्रांजैक्शन की लिमिट है वो बढ़ के 1,00,000 रुपये हो जाएगी। अब बिना KYC आपको 20,000 रुपये तक का ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बैंक में डालने की लिमिट आपकी 25,000 रुपये हो जाएगी, जबकि अभी होगी आपकी 2,500 रुपये बिना KYC के। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑफर हैं। और दोस्तों अगर आप आईफोन खरीदने वाले हैं तो यहीं से खरीद लो। अब इसका फ़ायदा क्या होने क्या वाला है, अगर आप आईफोन यहां से ख़रीदते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। ये डिपेंड करता है यार आप फ़ोन कौन सा खरीद रहे हो, अगर आप आईफोन एक्स खरीदते हैं तो आपको पूरे 10,000 रुपये तक का ही कैशबैक मिल जाएगा, और छोटा आईफोन खरीदते हैं मतलब आईफोन 4S 5S ये खरीदते हैं तो आपको 2,000 से 2,500 रुपये तक का कैशबैक तो कम से कम यहाँ मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे और भी ऑफ़र है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक खास ऑफ़र। दोस्तों अगर आप किसी के बैंक अकाउंट में पैसे डालना चाहते हैं तो आप UPI ट्रांजैक्शन के थ्रू डाल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप 50 रुपये या उससे ज़्यादा का कैश बैंक में डालते हैं तो आपको 1,000 रुपये तक का कैशबैक यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। मुझे भी यहाँ कैशबैक मिल चुका है तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैशबैक मुझे कितना और कैसे मिला था। मैंने यहाँ पे अपने एक बैंक अकाउंट में 100 रुपये डाले थे तो जिसके मुझे 50 रुपये मिले थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैशबैक रिसीव 50 रुपीज़ UPI ट्रांजेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेटीएम फॉर ऑर्डर UPI यूज़र 14 जन। मैंने 14 जनवरी को 100 रुपये डाले थे अपने बैंक अकाउंट में जिसके मुझे 50 रुपये कैशबैक मिला था। दोस्तों यहाँ पे ये तो होगी बैंक में डालने की बात, एक और बात होगी। मैंने यहाँ बोला था कि पैसे ट्रांसफ़र करने पे भी आपको कैशबैक मिलेगा, तो वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंड मनी के नाम से ऑफ़र दे रखा है, तो जैसे आप सेंड मनी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस शो होगा जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है कैशबैक अप टू 500 रुपीज़, 500 रुपये तक का जो है आपको कैशबैक यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप किसी को पैसे भेजते हैं। तो दोस्तों ये तो थी मोबाइल रिचार्ज पैसे ट्रांसफ़र करने से आप इस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको और कोई क्वेरी हो या और कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए, या आप कुछ और जानकारी लेना चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स दोस्तों।